सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने एक गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से एक सनसनी फैल गई। बता दें कि इस घटना को अंजाम गल्ला व्यवसायी के घर के कुछ दूरी पर दिया गया है, जहां पर गल्ला व्यवसायी अपने घर के कुछ मीटर पर दूरी पर खड़ा था। अज्ञात बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उसके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। आपको बता दें कि दरअसल सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। शुरुआती जांच में रुपए के लेनदेन की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मृतक के परिजनों से घटना को लेकर जानकारी ली। वहीं वारदात कूड़ेभार सुल्तानपुर के गुप्तारगंज बाजार की बताई जा रही है। बता दें कि गुप्तारगंज बाजार निवासी रोहित जायसवाल 30 साल पुत्र विंदेश्वरी जायसवाल गल्ला व्यवसायी था। उसका पैसे को लेकर किसी से विवाद चल रहा था। एक माह पूर्व भी ये कहा सुनी हुई थी। रविवार की रात करीब 8 बजे के आसपास जब वो घर से 100 मीटर दूर पर सड़क पर खड़ा था, तभी बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उसे सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। भारी भीड़ जमा हो गई। आनंद फानंद में उसे प्राइवेट गाड़ी से राजकीय मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही पारिवारिक जन में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि उधर सूचना मिलते ही एसपी सोमेन वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद्र दलबल के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहाँ स्थिति का जायजा लेने के बाद दोनों अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं मृतक की पत्नी अनुराधा व 3 वर्षीय मासूम का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। नाम वैसे राजेश जायसवाल का, नाम इंद्र सिंह प्रसाद जायसवाल, और ये गल्ले का भी काम करते हैं, किसानों से लेके गल्ला अपना इधर उधर, और इनका कोई किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ है। आज घटना ये अपने दुकान से लगभग 200 मीटर दूर जो है फैजाबाद रोड पे चाय पीने के लिए जा रहे थे और अंधेरा वही हो रहा था, और दो लोग बाइक से आए, गोली मार दी इनको, जो 3 गोली, एक गोली चली तो सब सोचते ऐसे कि उसके बाद सब दफ्तर दौड़े तो नीचे ये जो है नीचे जमीन पे खड़े हुए थे, लेकिन इनका कुछ पैसा कुछ लोग मार के बैठे थे। उसका विवाद जो है गुड़ेवार थाने में एक बार 10 लाख रुपया किसी के अकाउंट में लगवाए थे और ये किसानी के काम किसानों से गल्ला लेते थे और उसके बाद कभी कभी सरकारी उसके वहाँ से दिया करते थे तो पैसा किसानों के खाते में आता था। तो एक 2-4-10 लोग इनके अपने थे, उसी में से एक लोग पास ये 10 लाख रुपया जो है भिजवाए थे, वो देने को तैयार नहीं थे। ये बताया जा रहा है कि किसी अधिकारी के हस्तक्षेप से मामला कुछ दिन शांत हुआ था। मामला शांत क्या हुआ था, मामला ये था कि जब वहाँ पंचायत हुई तो वो जो जिनके ऊपर दबाव बना तो पता नहीं क्या अपना कोई गोली सोली खा लिए क्या कैसे, तो अधिकारी लोग उसमें बैठ हो गए। लेकिन इसको सबको पता है क्षेत्र में, आप किसी से पता करिएगा, उनका पैसा 10 लाख रुपया जो है वो मार के बैठे हुए हैं और थोड़ा वो लोग दबंग टाइप के हैं। और वो लोग हैं, वो लोग वही मुझे इसके आस पास के लोग हैं। आप पता करें, किसी व्यक्तिगत नाम लेने से कोई फायदा है नहीं। घटना पुलिस की जानकारी में, उससे पहले पंचायत इसमें हो चुकी है और